उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिला बाराबंकी द्वारा प्रदेश मंत्री जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार जैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें मुख्यतः SIB छापे, मंडी शुल्क एवं टोल टैक्स जैसी समस्याओं की ओर ध्यान देने और निदान करने की मांग की गई। जिला महामंत्री रविनन खजांची ने कहा कि GST विभाग द्वारा प्रतिमाह 10 व्यापारियों के यहां सर्वे छापे से इस कोरोना काल में व्यापारियों का दोहन और शोषण बढ़ेगा, जो व्यापार मंडल बर्दाश्त नहीं करेगा। इस कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की। उपाध्यक्ष मनीष निगम ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मंडियों के बाहर व्यापार करने वाले व्यापारियों पर से मंडी शुल्क समाप्त कर दिया था, जिसकी व्यापारियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की एवं मंडियों के अंदर व्यापार करने वालों का मंडी शुल्क समाप्त नहीं किया गया है, जिससे व्यापारी घोर संकट एवं तनाव में हैं। मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में हर्ष टंडन, हरि गुप्ता सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाराबंकी से GKS न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।